सितंबर के महीने में भारत में होने वाला G20 इवेंट जिस जगह पे होगा उस जगह से हम आपको पहली बार नेटवर्क 18 के लिए तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। ये वो जगह है जहां पे G20 का मेगा इवेंट होना प्रस्तावित है, यानी कि इसी जगह जितने भी G20 मेजर जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो यहीं पे आएंगे, यहीं पे मौजूद होंगे। अब ये पहली दफा आप देख रहे हैं समिट हॉल की तस्वीरें। यहाँ पे चाहे कारपेट की बात कर लीजिए या फर्नीचर की बात कर लीजिए या शैंडलियर की बात कर लीजिए, सारी ही चीजें अल्ट्रा लग्जूरियस यहाँ पे बनाई गई है। अगर तकनीक की बात की जाए तो कई सारी चीजों का पहली दफा इस्तेमाल है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक चीज अगर आपको दिखाना चाहे कि कोई भी ग्लोबल लीडर अगर वो माइक पे आते हैं, माइक पे लगा हुआ एक बटन अगर दबाते हैं तो केवल बटन दबाने मात्र से ही सारी स्क्रीन पे उनके विजुअल दिखने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही उनके विजुअल इंटरप्रेटर के पास भी पहुंचेंगे, जिसके द्वारा भाषा अगर बदलती है तो वो भी कन्वर्ट करके दिखाया जा सकता है। तो कई सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। इसके अलावा ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि G20 इवेंट होने के बाद भी इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को दूसरे उपयोगों में भी लाया जा सके। ये केवल एक भाग है कन्वेंशन सेंटर का, इसका नाम ITPO कन्वेंशन सेंटर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसको जब उद्घाटन किया था इस जगह का, उसके बाद इसका नाम भारत मंडपम कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे MP थिएटर है, यहाँ पे दो ऑडिटोरियम भी है, 600-900 की कैपेसिटी वाले एक मल्टीपर्पज हॉल है। इसके अलावा सारे छोटे बड़े और मीडियम साइज के मीटिंग रूम्स हैं जहां पे 50, 100, 200, 400 से लेकर के और भी ज्यादा संख्या में अगर लोग होते हैं तो वो मीटिंग कर सकते हैं। G20 इवेंट को ध्यान में रखते हुए ये पूरा यहाँ पे तामझाम लगाया गया है और सारी ही चीजें तकनीक से एकदम भरपूर हैं, सारी चीजें अल्ट्रा लग्जूरियस ही हैं और साथ ही तकनीक का भी यहाँ पे बखूबी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कई सारी चीजें जो हैं उसमें भारतीय टच देने की कोशिश की गई है। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर्स को देखें तो लाल पत्थर, जिसको रेड स्टोन भी कहा जाता है, जो लार्जली और बड़े पैमाने पर भारत में ही उपलब्ध होता है, उसका भी इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है। इसके अलावा कई सारे हॉल्स अलग भी हैं जो कि हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त 5500 व्हीकल्स को, गाड़ियों को पार्क करने की यहाँ पे सुविधा दी जाएगी जो भी विजिटर या लीडर्स यहाँ पे आएंगे उनके आवागमन के लिए। इसके अतिरिक्त एक हेलीपैड की व्यवस्था भी दी गई है, अगर कोई VVIP आदमी यहाँ पे डायरेक्टली लैंड होना चाहते हैं, चाहे एयरपोर्ट से डायरेक्टली भी, तो उसके लिए भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा 5-स्टार केटरिंग इन हाउस, इसकी सुविधा भी यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा जो सरकार जिस कॉन्सेप्ट के तहत इसको जिसको बनाया गया है उसका नाम है MICE, MICE, यानी कि मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन, यानी कि जब G20 का मेगा इवेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, G20 के इवेंट के बाद यहाँ पे जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या कोई समिट होते हैं, सेमिनार होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम है या प्राइवेट कार्यक्रम है, उन सब के लिए अल्ट्रा लग्जूरियस जो फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। और ये पहली दफा है जब हम आपको यहाँ के अंदर के विजुअल अंदर की तस्वीरें आपको नेटवर्क 18 पे दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन वाहिद वेग के साथ निखिल लखवानी, नेटवर्क 18 के लिए।